गालिवर एक छोटा आदमी था जिसके बड़े बड़े सपने थे। मेरे पास एक धमाकेदार कहानी है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था तुम लिखते हो, तो तुम किस लेखक से प्रभावित हो? शेक्सपियर, क्रैकावर, वो खूबसूरत मॉम जिसने ट्वाइलाइट लिखी थी। तुम्हारे लायक मेरे पास एक बढ़िया काम है, एक शख्स का जो दावा करता है कि वो रहस्यमय बमुडा ट्रायंगल के बारे में जानता है। 3 हफ्तों में ऐसी कहानी पेश करूंगा जो तुम्हारे होश उड़ा देगी। पिचकिया, मैं मैनहट्टन के टापू से हूँ। वहाँ के राष्ट्रपति थे? मैं वहाँ का ही नहीं, सारे राष्ट्र का पति था। जिंदगी में पहली बार लोगों ने उसकी कद्र की है। किसी राजकुमारी को पाना है तो पैंतरा बदलना होगा। तुम मुझे सिखा सकते हो? अगली बार उसे मिले तो कह देना। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है और मैं चाहूंगा तुम उनमें से एक हो। आखिरकार उसने उनके बीच अपनी जगह बना ली। स्लाइड करके अनलॉक करें। 12 SMS काफी चाहने वाले हैं मेरे। पर जैसे ही उसे लगा कि उसने अपनी खास जगह बना ली है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हिम्मत है तो दो दो हाथ हो जाए। क्या तुम तैयार हो? देखिए और पूछ पूछ। तुमने वादा किया था। माफ कीजिए, मैं सिर्फ एक मामूली मुलाजिम हूँ। इस साल गलीवर, तुम अपने आप को एक छोटा सा इंसान समझते हो, पर मैं ऐसा नहीं समझता। तुम ये कर सकते हो। वो साबित कर देगा कि वो एक हीरो है। मैं फिर से आपका रखवाला बनना चाहूंगा। हम तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करें? क्योंकि मेरी जबान ही मेरा वादा है, जिसका वो हमेशा दिखावा करता था। डिफ्यूजन से हमला किया। धुलाई का वक्त आ गया है। जैक ब्लैक। हेलो जी, मैं अमन का पैगाम लाया हूँ। मुझे कोई हरा नहीं सकता। गलिवर ट्रैवल्स, बड़े नवाब छोटे उस्ताद। आज नाचूंगा गाऊंगा सारी रात। बंद करो। बड़ा क्यूट। जल्द आ रहा है सिनेमा घरों में 3D में भी।